फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल गार्निश किचन में। त्योहार शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ रसमलाई की रेसिपी, जो कि आपके त्योहारों में चार चांद लगा देगी। मैं वीडियो के बीच में दूंगी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपकी रसमलाई बिल्कुल बाजार जैसे बनेगी, इसलिए वीडियो का आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम एक भिगोने के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा दूध उबालते हुए दूध तली से ना चिपके। अब इसके अंदर हम 1/4 किलो दूध डालेंगे और उसको अच्छे से उबालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूध उबलना शुरू हो चुका है। अब इसको हम पूरा उबाल आने तक अच्छे से उबालेंगे। उबाल आने के बाद अब इसके अंदर हम 1 चम्मच सिरका डालेंगे और इसको तब तक हिलाते रहेंगे जब तक ये दूध अच्छे से नहीं फट जाता। सिरका डालने के बाद गैस को तेज ही रखना है और इसको लगातार चलाते रहना है ताकि इसका छेना जल्दी से निकल जाए और इसका पानी इससे अलग हो जाए, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे तो हमारा छेना चिड्ढा हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि छेना अलग होना शुरू हो चुका है। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और इसको छान के इसका छेना इसके पानी से अलग कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने फटे हुए दूध में से छेना और पानी अलग अलग कर दिया है। अब हम छेना को थोड़े से पानी से धोएंगे ताकि इसके अंदर से सिरके का स्वाद पूरी तरीके से निकल जाए। अब हम कटोरे के ऊपर एक छलनी रखेंगे और उसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा रखेंगे। अब इसके ऊपर हम छेना डाल देंगे और इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकालेंगे। इसके अंदर ध्यान रहे कि हमारे को ज़्यादा पानी नहीं निकालना है, सिर्फ इतना निकालना है जो कि एक्स्ट्रा हो, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर बना रहे और हमारा छेना सॉफ्ट रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने छेने में से एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और हमारे छेने के अंदर अभी भी मॉइस्चर बना हुआ है। अब इस छेने को हम परात के अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से मसलना शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं छेने को बिल्कुल हथेली की मदद से बिल्कुल अच्छे से मसल रही हूँ ताकि इसके अंदर के लम्स पूरी तरीके से खत्म हो जाए। फिर जब ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा, फिर हम जब इसकी बॉल्स बनाएंगे वो ना तो फटेंगी और बिल्कुल स्पॉन्जी बनेंगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मुझे छेना को मसलते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह मैदा भी डाल सकते हैं। अब इन सबको हम बिल्कुल अच्छे से मसलेंगे और इसको तब तक मसलेंगे जब तक ये बिल्कुल अच्छे से चिकना नहीं हो जाता। कॉर्नफ्लोर या मैदा डालने से फायदा ये होगा कि हमारे रसगुल्लों को बाइंड करने के लिए स्ट्रेंथ मिलेगी और फिर हमारे रसगुल्ले बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। मुझे छेना को मसलते हुए और 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि छेना बिल्कुल चिकना हो चुका है और इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स अब नहीं बचे हैं। अब हम यहाँ पे इसके रसगुल्ले बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमारे को छेना का बिल्कुल छोटा साइज लेना है। आपको जितना बड़ा रसगुल्ला बनाना है उसका आधा साइज यहाँ पे छेना का हमको लेना है। अब इसको हम बिल्कुल अच्छे से गोल करते जाएंगे और हमारे को यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे को रसगुल्ले के अंदर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आने देने हैं। बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे तो हमारा रसगुल्ला फिर आगे जाके नहीं फटेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने रसगुल्ले को बिल्कुल अच्छे से गोल कर दिया है, अब इस पे बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। इसी तरीके से हम सभी रसगुल्लों को बनाते चले जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको स्पंज के रसगुल्ले की भी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने रसगुल्ले को बिल्कुल अच्छे से गोल कर दिया है कि इसके ऊपर एक भी क्रैक नहीं है। इसी तरीके से हम सभी रसगुल्ले बनाएंगे जब तक कि इनके पूरे तरीके से क्रैक्स नहीं खत्म हो जाते, हम इसको रोल करते चले जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सारे रसगुल्ले बना लिए हैं। आइए अब हम इसके लिए चाशनी बनाना शुरू करते हैं। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर 1/4 कप चीनी डालेंगे। अब इसके अंदर हम 3 कप पानी डालेंगे और इसको अच्छे से गर्म करेंगे। यहाँ पे हमारे को पानी सिर्फ इतना गर्म करना है कि हमारी चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल जाए। दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि हम रसमलाई बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे को तार वाली चाशनी बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे को यहाँ पे रसगुल्ले डालने के बाद पानी को सिर्फ इतना पकाना है जितने हमारे रसगुल्ले अच्छे से पक के अच्छे से फूल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चीनी पानी में बिल्कुल अच्छे से घुल चुकी है। अब इस पानी को हम ढक देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको तेज आंच पर गर्म करेंगे ताकि इसके अंदर भाप इकट्ठी हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर रसगुल्ले डालेंगे। हमें पानी को गर्म करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर अच्छे से भाप इकट्ठी हो चुकी थी। अब इसके अंदर हम रसगुल्ले डालना शुरू करेंगे। कढ़ाई में हमें रसगुल्ले इस तरीके से डालने हैं कि ये आपस में ना टकराएं, और हमारे को कढ़ाई में रसगुल्ले डालते ही इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। कढ़ाई में रसगुल्ले डालने के बाद अब इसको हम ढक देंगे और इसको 10 से 15 मिनट तक तेज आंच पर इसको पकने देंगे। रसगुल्लों को पकाते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमारे को यहाँ पे ढक्कन को बार बार नहीं खोलना है, क्योंकि इसकी भाप के इकट्ठे होने से ही हमारे रसगुल्ले बिल्कुल अच्छे से फूलेंगे। मुझे रसगुल्लों को पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रसगुल्लों का साइज फूल का डबल हो चुका है। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे। आइए अब हम इसके लिए रसमलाई वाला गाढ़ा दूध बनाना शुरू करते हैं। रसमलाई वाला गाढ़ा दूध बनाने के लिए सबसे पहले हम 750 ml दूध लेंगे और उसको अच्छे से गर्म करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर रसमलाई बनाने के लिए आप गाय का दूध भी ले सकते हैं। उससे छेना बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, फिर रसगुल्ले भी बिल्कुल सॉफ्ट ही बनेंगे।
हमार को दूध को तब तक पकाना है जब तक कि इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हल्का उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम एक तिहाई चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसके अंदर थोड़ी सी केसर की पत्तियां डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिलाएंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि इलायची और केसर का स्वाद हमारे दूध के अंदर बिल्कुल अच्छे से आ जाए। हमें यहाँ पे दूध को तब तक पकाना है जब तक कि दूध की क्वांटिटी पक कर आधी नहीं हो जाती। जैसा कि आप देख सकते हैं कि केसर का कलर दूध के अंदर आना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम बारीक कटा हुआ पिस्ता डालेंगे और बारीक कटे हुए बादाम डालेंगे। पिस्ते और बादाम की मात्रा आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रसमलाई के अंदर बिल्कुल बाजार जैसा स्वाद चाहते हैं तो आप इसके अंदर एक चम्मच केवड़ा पाउडर डाल दें, जिससे उसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूध पककर 3/4 हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1/3 कप चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। मुझे दूध को पकाते हुए और 10 मिनट हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूध का कलर बिल्कुल परफेक्ट येलो हो चुका है और ये दूध भी बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा। इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है और ये गाढ़ा भी बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा दूध पकाएंगे तो इसकी रबड़ी बन जाएगी। आइए मैं यहाँ पे आपको एक रसगुल्ला तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना ज्यादा सॉफ्ट और कितना ज्यादा स्पॉन्जी बना है। अब हम सभी रसगुल्लों को एक बर्तन में निकालते चले जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसका रस निचोड़ कर भी रसगुल्लों को इसमें रख सकते हैं। अब इन रसगुल्लों के ऊपर हम पकाया हुआ दूध डालते चले जाएंगे ताकि दूध का स्वाद हमारे रसगुल्ले के अंदर अच्छे से आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने रसमलाई को दूध से बिल्कुल अच्छे से ढक दिया है। अब इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ पिस्ता और बारीक कटा हुआ बादाम डालेंगे। फिर हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हमारी रसमलाई परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए दोस्तों, रसमलाई देखने में ही कितनी ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।